वो कौन सी काविश थी जिस पर 76 साल स्वीडिश जीनियाती माहिर को नोबेल इनाम दिया गया? ये एजाज हासिल करने में उन्होंने कितना वक्त सर्फ किया और ऐसी कौन सी नई बात का इंकशाफ किया? इन तमाम की तफसील शामिल है इस रिपोर्ट में। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 40,000 साल पुरानी हड्डियों से जीनियाती मालूमात तक रसाई को आसान काम नहीं कहा जा सकता, और इस काम में स्वीडिश मुहक्किक स्वांते पाबू ने अपनी जिंदगी के 30 साल लगाए। उन्होंने अपनी तहकीक के दौरान इंतहाई जदीद उलूम और मुख्तलिफ तजियों का भी सहारा लिया। 30 साल की तहकीक के बाद उन्हें दुनिया साइंस में मेडिसिन और फिजियोलॉजी के सबसे बड़े इनाम यानी नोबेल प्राइज से 3 अक्टूबर 2022 को नवाजा गया, और एक मरतबा फिर उस फलसफे को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की गई जिसकी रूह से इंसान इंसान नहीं बल्कि बंदर यानी जानवर था, जिसे अहले मगरिब की जानिब से बारहा दुरुस्त साबित करने की कोशिश की जाती रही है, जो न सिर्फ शर्फ इंसानियत के मुनाफी है बल्कि इस्लामी नजरिए के भी खिलाफ है। स्वांते पाबू ने अपनी तहकीक के जरिए साबित करने की कोशिश की है कि आज के दौर में जमीन पर मौजूद इंसानों और 30,000 साल पहले के नेंडरथल के जद्देमजद एक ही थे जो 6,00,000 साल पहले जमीन पर आबाद थे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जदीद इंसान में कहीं नेंडरथल के जीन्स मौजूद हैं जो इसे मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जिंदा रहने में मदद देते हैं। अब अगर अहले मगरिब की बरसों की तहरीक का तजिया करें तो साबित होगा कि शायद वो सिर्फ इंसान को जानवर साबित करके उसकी जिम्मेदारियों से सबुकदोश कराना चाहते हैं जो अशरफुल मखलूकात के ओहदे पर फाइज करके हजरत इंसान पर आयद की गई हैं। शायद यही नजरिया है जो बार बार उन्हें इस फलसफे को दुरुस्त साबित करने पर आमादा करता रहता है। क्या ही बेहतर हो कि इर्तिकाए इंसानी की इस लाहासिल बहस में पढ़ने की बजाय इंसानियत की फलाह के मंसूबों पर गौर व खोज किया जाए, ताकि आज जो दुनिया इंसानों के हाथों जहन्नुम बनती जा रही है उससे छुटकारा मुमकिन हो सके।